बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का टॉपिक ट्यूरिंग मशीन डिस्कस करेंगे। ट्यूरिंग मशीन डिस्कस करने से पहले हम कुछ जो हमने पहले टॉपिक डिस्कस किए हैं उस पर ज़रा एक नज़र दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले हमने DFAs को डिस्कस किया। DFAs की बजाय हम कह रहे हैं कि हमने FAs को डिस्कस किया। उसके अंदर हमने DFA को डिस्कस किया, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन। फिर उसके बाद हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन को डिस्कस किया। फिर हमने मशीन्स विद आउटपुट को डिस्कस किया, जिसमें हमने मोर मशीन एंड मेले मशीन को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने PDA को डिस्कस किया। PDA हमने पुश डाउन ऑटोमेटा, फिर उसके अंदर हमने इसको डिटर्मिनिस्टिक PDA और नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA दोनों को डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली हम मोर ट्यूरिंग मशीन को डिस्कस करेंगे। ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ट्यूरिंग मशीन इन्वेंट किसने की, इसका बेसिक पर्पस क्या है इस मशीन के बनाने का। तो लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, एग्जांपल के लिए कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जी हमारे पास जो PDA है वो सुपीरियर होता है, पावरफुल मशीन है एज कम्पेयर टू FAs, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा इशू जो होता है FAs के अंदर वो मेमोरी का होता है। तो PDA के अंदर हम स्टैक यूज करते थे, तो स्टैक हमारे पास एक एफिशिएंट मेमोरी यूजेज था। तो PDA के अंदर हम बेसिकली स्टैक को यूज करते थे, स्टैक हमारे पास मेमोरी एज कम्पेयर टू FA मशीन ज्यादा रखता था। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी हमारे पास मशीन होनी चाहिए जो ऐसी लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करे जिसको FA एक्सेप्ट नहीं करता, जिसको PDA एक्सेप्ट नहीं करता, तो डेफिनेटली ट्यूरिंग मशीन है। अब ट्यूरिंग मशीन के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम जो ट्यूरिंग मशीन सॉल्वेबल नहीं है, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर उसको सॉल्व नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन ट्यूरिंग मशीन मानी जाती है। ट्यूरिंग मशीन को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जी अगर कोई प्रॉब्लम जो ट्यूरिंग मशीन सॉल्वेबल है, दुनिया का सारे कंप्यूटर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली एलन ट्यूरिंग ने 1936 के अंदर ट्यूरिंग मशीन को इन्वेंट किया था। तो ट्यूरिंग मशीन बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करती है उसको भी जरा देख लेते हैं। ट्यूरिंग मशीन इज एन एक्सेप्टिंग डिवाइस व्हिच एक्सेप्ट्स लैंग्वेजेस रिकर्सिवली अननंबरेबल सेट्स। इसमें हमारे पास क्या होता है, जनरेटेड बाय द हमारे पास टाइप जीरो ग्रामर्स में ही आती है। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1936 बाय एलन ट्यूरिंग। अब इसके अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो ट्यूरिंग मशीन, जिसको हम TM से शॉर्ट अब्रीवेशन से हम इसको डिफाइन करेंगे, इज अ मैथमेटिकल मॉडल विच कंसिस्ट ऑफ एन इनफाइनाइट लेंथ टेप डिवाइडेड इनटू सेल्स ऑन विच इनपुट इज गिवन। जैसे हमने बात की थी स्टैक के अंदर, स्टैक में भी हमारे पास एक इनपुट टेप थी, तो हमारे पास एक फाइनाइट कंट्रोल यूनिट था जो बेसिकली आपके उस टेप के पर्टिकुलर पोजीशन को पॉइंट आउट करता था जहां से हम उस इनपुट लेटर को रीड करते थे। फिर उसके बाद हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते थे या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड विच लीड्स द इनपुट टेप, अ स्टेट रजिस्टर्ड स्टोर द स्टेट ऑफ द ट्यूरिंग मशीन। आफ्टर रीडिंग एन इनपुट सिंबल इट इज रिप्लेस्ड विद अनदर सिंबल। इसको भी हम देखेंगे कि टेप के अंदर हमने कोई एक इनपुट लेटर को रीड किया है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे किसी और लेटर के साथ, इसलिए कि हमें पता चल जाए कि हमने लास्टली किस इनपुट लेटर को रीड किया था। अगर हम वापस आ रहे हैं या हम जा रहे हैं उस लेटर से तो हमें उसकी इंडिकेशन मिलती रहेगी, तो इसलिए हम जिस लेटर को रीड करेंगे उसको हम रिप्लेस भी कर देंगे। इट इंटरनल स्टेट इज चेंज एंड इट मूव फ्रॉम वन सेल टू द राइट और लेफ्ट। तो उसको हम रीड करके या तो हम लेफ्ट पे मूव करेंगे या राइट पे, ये हमारे डिपेंड करेगा उस क्वेश्चन की नौयत के ऊपर या उस कंडीशन के ऊपर जो उसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है। इफ द ट्यूरिंग मशीन रीचेज द फाइनल स्टेट द इनपुट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास देखेंगे ट्यूरिंग मशीन है, तो हमने लास्ट मशीन में जितनी भी बातें डिस्कस की उसके अंदर हमने टपल्स को भी डिस्कस किया, NFA के भी टपल्स से, DFA के भी टपल्स से, हमारे पास जो मेले मशीन्स के, मोरे मशीन के, इवन PDA के भी हमने टपल्स को डिस्कस किया। आज हम बात करते हैं जी ट्यूरिंग मशीन के टपल्स हैं 7 टपल्स, जिससे हमारे पास स्टैक के अंदर था, सॉरी PDA के अंदर था, पुश डाउन ऑटोमेटा में 7 टपल्स से, इसी तरह ट्यूरिंग मशीन के भी 7 टपल्स हैं जो इसको फॉर्मली डिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्या देखें, क्यू है, एक्स है, इसके बाद सिग्मा है, हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन है, क्यू नॉट हमारे पास इंडिकेशन है इनिशियल स्टेट की, बी फॉर ब्लैंक लेटर है और एफ फॉर फाइनल स्टेट है।
इसकी एब्रीवेशन सॉरी एब्रीवेशन कह रहा हूँ, इसकी आगे डिटेल लिखी हुई है. क्यू इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स एंड एक्स हमारे पास टेप. एक्स को हम बेसिकली यहाँ पे टॉ से भी रिप्रेजेंट करेंगे और मोस्टली हम टॉ डिस्कस करेंगे. टॉ बेसिकली क्या होता है, हमने टॉ की जब बात की थी स्टैक के अंदर तो हमने कहा था कि ये या पीडीए के अंदर हमने टॉ की बात की थी, तो टॉ हमारे पास बेसिकली टेप एलिमेंट था. तो टेप के अंदर जो भी हमारे पास या टॉप मोस्ट एलिमेंट सॉरी टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक था, टेप एलिमेंट नहीं, टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक था कि स्टैक के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है. अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें टॉ को इन कह लें कि जी हमारे पास अगर टेप की बात करता हूँ तो टेप में टॉप बेसिकली किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, तो टॉप बेसिकली हमारे पास टेप सिंबल है और टेप सिंबल कहाँ से आएंगे, हमारे पास सिग्मा से आएंगे. तो हम ये बात कह सकते हैं कि जी अगर हमारे पास जो इनपुट लेटर्स हैं वो सिग्मा से ही बिलोंग कर रहे हैं और वो टॉप बेसिकली टेप एलिमेंट्स को है, तो जारी बात है कि टेप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर वो जो इनपुट लेटर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास सिग्मा से आ रहे हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स किसके होंगे, टॉ के होंगे. तो टॉ हम ये कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल सिंबल्स ऑन टेप, यानी कि टेप के ऊपर जितने भी इनपुट सिंबल्स हैं, लाइक हमारे पास कोई भी सिंबल है, मैं कह देता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये सिंबल है, ए है, बी है, ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास सी है, फिर मैं कह देता हूँ यहाँ पे ए है कोई वैल्यू, यहाँ पे कोई सी वैल्यू पड़ी हुई है. अब ये जो लेटर्स बच जाएंगे ये यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, ब्लैंक आएंगे. आप इसको कैपिटल बी से भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे डेल्टा भी पुट कर सकते हैं. तो इस तरह से ये अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इस टेप के ऊपर ये बेसिकली सेट ऑफ ऑल सिंबल्स हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल सिंबल्स ऑन टेप क्या कहलाता है, हमारे पास टॉ कहलाता है. और ये सेट ऑफ ऑल सिंबल्स कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास सिग्मा से आ रहे होते हैं. इसी तरह ही हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने पीडीए के अंदर भी ट्रांजिशन फंक्शन देखा था. तो पीडीए का अगर ट्रांजिशन फंक्शन देखते थे तो हम कहते थे एट एनी स्टेट वी रीड एनी इनपुट लेटर बिलोंग्स टू सिग्मा एंड टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक टॉ, ठीक है. फिर ये हमारे पास किसके इक्वल होता था, कोई स्टेट आती थी और इसके बाद हम ये कहते थे कि जी हमने टॉस टेरिक. अब टॉस टेरिक बेसिकली हमारे पास टेरिक किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, या तो वैल्यू पॉप हुई है, या वैल्यू हमारे पास पुश हुई है, या हमारे पास वैल्यू को हमने क्या किया है, स्किप किया है. तो ये बेसिकली स्टेरिक ये डिफरेंट थ्री फंक्शन से जिसको परफॉर्म करता था. अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन फंक्शन की ट्यूरिंग मशीन में, तो ट्यूरिंग मशीन में कोई ट्रांजिशन फंक्शन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि यह तो ट्रांजिशन फंक्शन है इसका पीडीए का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये पीडीए का ट्रांजिशन फंक्शन है. अब ये ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजिशन फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, एट एनी स्टेट वी रीड एनी इनपुट लेटर सिग्मा. अब आप ये कह सकते हैं सिग्मा या इसको हम क्या बोलेंगे टॉ, क्योंकि हमने अभी ये बात की है कि टॉ क्या है, सेट ऑफ ऑल सिंबल्स ऑन टेप और वो सिंबल कहाँ से आएंगे, सिग्मा से. तो आप ये टॉ ही यूज कर लेंगे, एट एनी स्टेट वी रीड एनी इनपुट लेटर, यानी कि जो टेप के ऊपर है टॉ सिंबल. अब ये हमारे पास कहाँ आएगा, डेफिनेटली हमारे पास कोई ना कोई एक रिजल्टेंट स्टेट आएगी. उस रिजल्टेंट स्टेट पे हमारे पास उस टेप एलिमेंट, यानी कि हमने अभी प्रीवियसली बात पढ़ी है कि हम जिस एलिमेंट को रीड करेंगे उसको हमने रिप्लेस करना है किसी दूसरे. तो अब यहाँ पे देखें कि जी आफ्टर रीडिंग एंड हमने इसको रिप्लेस करना है विद अदर सिंबल, तो हमने इसको रिप्लेस करना है डेफिनेटली, वो भी कहाँ पे जाएगा, उस टॉप में ही, यानी कि उस टेप के ऊपर ही रिप्लेस होगा. अब इसके रिप्लेसमेंट के बाद पहले तो यहाँ से इसको रीड किया फिर उसको हमने रिप्लेस किया, या तो हमने लेफ्ट मूव करना है या हमने राइट मूव करना है. ये बात टेप की, क्योंकि टेप में आपके पास जो मेमोरी है ना ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है. आप इसके दोनों एंड के ऊपर, यानी कि आप राइट साइड पे भी आप एलिमेंट्स ब्लैंक है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर लेफ्ट साइड है तो इसमें भी आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं. तो ये राइट साइड हमारे पास आ जाएगी और ये हमारे पास लेफ्ट साइड आ जाएगी. अब इसी को हम, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्यू नॉट. हमें पता है सपोज टू बी इनिशियल स्टेट, कोई भी स्टेट है उसको क्यू नॉट हम इनिशियल स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे. बी फॉर ब्लैंक सिंबल. अब ये हमें ब्लैंक का भी पता है कि जो ब्लैंक सिंबल्स होते हैं डेफिनेटली ये भी हमारे पास कहाँ से आते हैं, ब्लैंक्स बिलोंग्स टू, यानी कि अगर मैं बात करूँ ब्लैंक हमारे पास सबसेट है किसका, टॉ का. क्योंकि ये देखें ना टेप के ऊपर जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या हैं, वो सेट ऑफ ऑल सिंबल्स ऑन टेप ये टॉ था, तो ये ब्लैंक भी टेप से है. या ये हम बात ये भी कह सकते हैं कि जी जो सिग्मा है, सिग्मा का हमारे पास जो क्या कह देंगे सबसेट है या इक्वल टू है, ये किसके है, टॉ के आता है. तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हम टॉ को रिप्रेजेंट, यानी कि ब्लैंक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. अब इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट देखें
आप सिर्फ इसी को ही कॉम्पनसेट करें, यानी कि इसके ऊपर ही आप फोकस करें कि जी ये जो हमारे पास है ब्लैंक सिंबल बेसिकली ये टॉस से आ रहा है, क्या है हमारे पास सेट ऑफ ऑल सिंबल्स ऑन द टेप। आगे हमारे पास एफ है, एफ हमारे पास किसको इंडिकेट करता है, फाइनल स्टेट को। अब आपने ये ट्रांजिशन फंक्शन याद रखना है कि एट एनी स्टेट वो रीड एनी इनपुट लेटर फ्रॉम टॉप, यानी कि टॉप के ऊपर, और डेफिनेटली वो सिग्मा से आएगा। हम किसी रिजल्टेंट स्टेट पे जाएंगे, उस सिंबल को हमने रिप्लेस करेंगे किसी भी सिंबल के साथ। तो ये जो रिप्लेसमेंट आती है ये बेसिकली हमने क्या करनी है, टेप के ऊपर ही करनी है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम टॉ लिखेंगे। और उसके बाद रिप्लेसमेंट के बाद हमने किधर मूव करना है, या तो लेफ्ट पे मूव करना है या हमने राइट पे मूव करना है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ कंपैरिजन आते हैं प्रीवियस ऑटोमेशन के साथ। मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम बात करें प्रीवियस फाइनाइट ऑटोमेशन था या पीडीए है या ट्यूरिंग मशीन अब हम करंटली यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास देखिए स्टैक डाटा है यहाँ पे, ये हमारे पास एन ए की, यानी कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर इसका नहीं है। फिर इसके बाद हमने कहा कि जी इसका हमारे पास जो बेसिकली जो फंक्शन यूज होता है वो क्या होता है, कि लास्ट इन फर्स्ट आउट की बेस के ऊपर। इसमें हमारे पास इनफाइनाइट टेप है, ये हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक है, पीडीए हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, और डेफिनेटली ये भी हमारे पास क्या है, डिटर्मिनिस्टिक कहलाती है। जो ट्यूरिंग मशीन होती है ये डिटर्मिनिस्टिक होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें ये हमारे पास बेसिकली टाइम कम्प्लेक्सिटी की और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की अगर बात करते हैं कि ट्यूरिंग मशीन में, तो कहता है फॉर अ ट्यूरिंग मशीन द टाइम कम्प्लेक्सिटी रेफर्स टू द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द टेप मूव व्हेन द मशीन इज इनिशियलाइज्ड फ्रॉम सम इनपुट सिंबल, एंड द स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द टेप रिटर्न। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास बिग ओ एन लॉग ऑफ एन, ये हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी है ट्यूरिंग मशीन की, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या है, बिग ओ ऑफ एन, इससे हम मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि जी हमारे पास क्या कोई ऐसा मैथमेटिकल मॉडल था जो एफ ए टी जी और पी डी ए डेट हैव बीन डिस्कस सो फार एंड decide whether the string is accepted or not by them. The models are languages. क्या था हमारे पास, identifiers है। अब इसका मतलब है however there are still some languages which cannot be accepted by them. यानी कि बहुत सारी languages थी जो ये तीनों accept नहीं कर पाते थे। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, there does not exist any FATG or PDA accepting any non-CFL language. यानी कि non कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेजेस। तो एलन ट्यूरिंग ने बेसिकली डेवलप की थी मशीन को कॉल ट्यूरिंग मशीन विच एक्सेप्ट द सम नॉन एफएल एस वेल, के जो एफए टीजी और पीडीए नॉन एफएल लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता था, अब आपकी जो ट्यूरिंग मशीन है वो इन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है इन एडिशन इन सीएफएल्स। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ इनपुट टेप होगी, इनपुट टेप के ऊपर ये हमारे पास सेल्स होंगे, इसके अंदर हमारे पास एक टेप हेड है जो पॉइंट करेगा टेप की पर्टिकुलर पोजीशन को जहां से हम लेटर को रीड करेंगे और जिस लेटर को हमने रिप्लेस करना है, और ये क्या करेगा, मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट एंड टुवर्ड्स राइट। और ये जो ब्लैंक सिंबल है ये हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब यहाँ पे कैपिटल बी भी लिख सकते हैं। आगे ये टेप की पूरी हमने वो प्रॉपर डेफिनेशन है, टेप हेड क्या होता है, इसी तरह अल्फाबेट टॉ किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। अब हमने जैसे पीडीए के अंदर बात पड़ी थी कि चाहे हमारे पास कोई एक्सेप्ट स्टेट है या रिजेक्ट स्टेट है, तो वो हमारे पास दोनों हॉल्ड स्टेट्स कहलाती थी, तो यहाँ पे भी हमारे पास हॉल्ड स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है। अब कहता है जी ये क्या करता है, कंटेनिंग एग्जैक्टली वन स्टार्ट स्टेट एंड मे बी नॉन, यानी कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो हॉल्ड स्टेट डेट कहता है कॉजेज एग्जीक्यूशन ऑफ टर्मिनेट व्हेन द हॉल्ड स्टेट आर एंटर्ड। ठीक है, तो हॉल्ड स्टेट पे जाके मे बी हॉल्ड स्टेट कौन सी है, कोई एक्सेप्टेड स्टेट भी हो सकती है, तो हम इसको एक्सेप्टेड को हॉल्ड स्टेट बोलेंगे। इसी तरह ये प्रोग्राम है जो डायरेक्शन मूव में करेगा। अब मैं इसको आपको पर्टिकुलरली एक एग्जाम्पल के ऊपर लेके चलता हूँ, लेकिन इससे पहले ये नोट पढ़ लेते हैं, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मे बी नोटेड दैट देयर मे नॉट बी एनी आउटगोइंग एजेस एट द सर्टन स्टेट फॉर certain letter to be read from the tape which creates non-determinism. यहाँ पर आपने देखा होगा non-determinism की property क्या है कि हमने ये बात NFA के अंदर पढ़ के आए थे, किसी एक particular letter के लिए more than one transition हो सकती है for certain state, और किसी एक letter के लिए एक से ज्यादा transition नहीं exist करती, तो ये property क्या कहलाती थी, non-determinism property कहलाती है।
अब इस नॉन डिटरमिनिज्म प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या है, जैसा इट मे आल्सो बी नोटेड दैट एट सर्टेन स्टेट देयर कैन नॉट बी मोर देन वन आउटगोइंग एजेस फॉर सर्टेन लेटर टू बी रीड फ्रॉम द टेप द मशीन क्रैशेस इफ देयर इज नो नॉट पाथ फॉर अ लेटर टू बी रीड फ्रॉम द टेप एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग इज सपोज्ड टू बी रिजेक्टेड. अगर कोई पाथ ही नहीं है तो डेफिनेटली वो स्ट्रिंग हम रीड ही नहीं कर सकते, तो वो क्रैश हो जाएगी और स्ट्रिंग भी रिजेक्ट हो जाएगी. टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टन इनपुट स्ट्रिंग सक्सेसफुली अ हॉल्ट स्टेट मस्ट बी एंटर्ड. हम किस स्टेट पे पहुंच जाएंगे, हॉल्ट स्टेट पे पहुंच जाएंगे. अगर उसके पास कोई एग्जीक्यूशन में एक सक्सेसफुल पाथ है तो मे बी वो हॉल्ट स्टेट क्या है, सपोज टू बी एक्सेप्टेड स्टेट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग इज सपोज टू बी एक्सेप्टेड by the Turing machine. The machine also crashes when the tape head is आपके पास instructed to move one cell to the left of the cell. तो वो left पे चली जाए या वो right पे चली जाए. अगर उसको blank letters मिलना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने जितने भी input letters थे tape के अंदर उनको read कर लिया, उनको replace कर लिया. अब वो चाहे आप left side पे चले जाएं जाए आप राइट साइड पे, तो अगर जहां से ब्लैंक के बाद ब्लैंक मिलेगा तो डेफिनेटली आपकी वो जो मशीन है वो किस कौन पे पहुंच जाएगी, हॉल्ट स्टेट पे पहुंच जाएगी और वहां पे वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी उस ट्यूरिंग मशीन के लिए. अब यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि मैं यहाँ पे एक अब हमने फॉर एग्जाम्पल हमने एक लैंग्वेज को डिस्कस किया था, वो लैंग्वेज थी हमारे पास ए एन बी एन. हमने इसके लिए पी डी ए भी बनाया था. आज हम ए एन बी एन के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करके देखते हैं कि हम ए एन बी एन के लिए ट्यूरिंग मशीन कैसे डिजाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज है हमारे पास ट्यूरिंग मशीन की, हमारे पास लैंग्वेज है, लैंग्वेज है हमारे पास, हम कह रहे हैं जी कि ए एन बी एन, ए एन बी एन, वेयर एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन. ठीक है, अब हमारे पास हमने कहा है कि अभी हमने अब स्टैक तो बनाना नहीं है, हमारे पास एक इनपुट टेप हो गया. अब मैं कह रहा हूँ जी कि जो मेरे पास एन की वैल्यू है, सपोज मैं कह देता हूँ जी एन मेरे पास है थ्री. अब इसका मतलब है कि थ्री मेरे पास ए आ जाएंगे टेप के अंदर एंड थ्री मेरे पास बी, क्योंकि एन की वैल्यू ए और बी दोनों के लिए सेम होगी. अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ब्लैंक सिंबल शुरू हो जाएंगे. मैं यहाँ पर ब्लैंक लिख देता हूँ इस सर भी. अब हमारे पास क्योंकि टेप की मेमोरी ऑलमोस्ट अनलिमिटेड होती है कि अब दोनों एंड के ऊपर इसमें आप जो वैल्यू है वो ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे भी हमारे पास स्पेस है, यहाँ पे भी हमारे पास स्पेस आ रही है. अब हमने कहा है कि जी हमारे सेवन टपल्स में से हमने बात शुरू की सपोज क्यू नॉट से, और मैं कह देता हूँ सपोज क्यू नॉट सपोज टू बी अ इनिशियल स्टेट. ठीक है, अब हमारा बेसिकली जो टेप है, टेप हेडर वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ए पे. अब मैं कह देता हूँ कि जी मैं जब ए को रीड करूंगा तो मैं ए को रिप्लेस कर दूंगा एक्स के साथ और मैं वाई को बी को रिप्लेस कर दूंगा वाई के साथ. ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने कौन से लास्टली इनपुट लेटर को रीड किया था और उसको रिप्लेस किया था. ये ना हो कि जी अगर मेरे पास मोर देन वन यानी कि एज हैं या ए बहुत सारे पड़े हुए तो हमें ये पता ना चले कि हम कौन से ए पे गए थे कि हमने इसको रीड किया था. हम जिसको रिप्लेस कर देंगे हमें लास्टली पता चल जाएगा कि यहाँ तक हमें ए को रीड किया था तो इसको रिप्लेस कर चुके हैं. अब हमारे पास हेडर यहाँ पे आ रहा है, अब हमने मूव करना है. अब इसमें क्वेश्चन में क्या होगा कि हमारे पास देखें थ्री ए है थ्री बी है. हमने सबसे पहले एक ए को रीड करना है, उसको रिप्लेस करना है एक्स के साथ एंड मूव करना है अनटिल अनलेस जब तक हमें बी नहीं मिल जाता. हम बी को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे वाई के साथ और वापस आएंगे लेफ्ट साइड के ऊपर. कब तक, जब तक हमने उस लास्टली ए को जो रिप्लेस हो चुका है वहां तक नहीं आ जाते. फिर हम मूव करेंगे क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि इसको रिप्लेस कर चुके हैं. फिर हम मूव करेंगे इस वाले ए के ऊपर, फिर इसे एक और रिप्लेस करेंगे हम एक्स के साथ और मूव करेंगे राइट. और कहाँ तक जाएंगे कि हमें, अब आप देखेंगे जब राइट जा रहे होंगे तो आपको ए की बजाय बी की जगह यहाँ पे वाई मिलेगा, तो वाई को हमने वाई से रिप्लेस करेंगे. तो दो ऑप्शन है, या तो आप ए को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, एक्स के साथ एंड मूव राइट. अगर आप वापस आते हैं तो ये आपको ए मिलेगा, ए को एक से रिप्लेस किया मूव हम क्या कर रहे हैं राइट, फिर मूव कर रहे हैं राइट. यहाँ पे मूव करते हुए राइट हमें यहाँ पे वाई मिलेगा, पहले हमें वाई नहीं मिल रहा था क्योंकि हमने बी को रिप्लेस किया था, बी था
तो हमने बी को रिप्लेस कर दिया वाई के साथ। अब वाई को वाई से रिप्लेस करेंगे मूव राइट तो बी मिलेगा। अब बी को हमने फिर वाई से रिप्लेस करना है एंड मूव लेफ्ट। तो अगर आपने जिसको स्किप करना है आप उस लेटर को उसी से ही रिप्लेस करोगे उस टॉ के ऊपर एंड मूव करोगे, चाहे लेफ्ट मूव करना है चाहे राइट। तो यहाँ पे देखें कि मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने ए को रीड किया, मैं ए को रिप्लेस कर रहा हूँ किसके साथ, एक्स के साथ। तो अब आप देखें मैंने ए टेप से रीड किया, ए को मैंने रिप्लेस किया किसके साथ, एक्स के साथ एंड मूव राइट। यहाँ पे देखें मूव राइट, तो मैं यहाँ पे चला गया। अब मुझे मूव राइट गया तो डेफिनेटली यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन फंक्शन मुझे कोई ना कोई स्ट्रेट मिलेगी। तो मैं कह रहा हूँ जी क्यू वन स्ट्रेट पे मैं मूव कर गया, ठीक है। अब क्यू वन स्ट्रेट पे जाके मुझे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। अब मैंने क्या करना है, इन ए को स्किप करना है, इस बी को, पहले ए को किया है पहले बी को मैंने कन्वर्ट करना है। तो रस्ते में मुझे क्या मिलेंगे, ए मिलेंगे। मैंने कहा जी मैंने ए को ए से रिप्लेस किया क्योंकि मैंने अभी इनको रिप्लेस नहीं करना जब तक मुझे बी को रिप्लेस करके वापस नहीं आया। फिर मैं वापस आऊंगा, फिर इसे ए को करूंगा, फिर इधर मूव करूंगा, फिर मैं इस दूसरे बी को करूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा तीसरे ए को करूंगा, फिर इधर जाकर तीसरे बी को। तो ए को ए से रिप्लेस किया एंड मूव राइट, राइट किया, फिर मुझे क्या मिला, ए मिला। फिर यही फंक्शन चल जाएगा, ए को ए से रिप्लेस किया मूव राइट। जब मैंने राइट मूव किया तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे बी मिल गया। अब मैंने क्या किया, बी को मैंने रिप्लेस कर दिया वाई के साथ। तो यहाँ पे मैं इसको फर्दर लिखूंगा कि मैंने क्या किया, बी को मैंने रिप्लेस किया वाई के साथ एंड मूव लेफ्ट। अब मुझे किस तरह आना है, वापस आना है। जब मैं वापस आ रहा हूँ तो यानी कि मैंने ये लेफ्ट मूव किया है, तो जारी बात है कि यहाँ पे मैं कोई और स्टेट में पहुंच गया हूँ। वो स्टेट का नाम क्या है, क्यू टू स्टेट है, ठीक है। मूव लेफ्ट, मूव लेफ्ट जो मैं टेप ने मूव करना है, आपकी इस वाली डायग्राम ने मूव नहीं करना, स्टेट्स ने। ये बात याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये स्टेट की तरफ तो इधर जा रहा है एरो, इसकी राइट की तरफ जा रहा है तो ये लेफ्ट है। टेप लेफ्ट मूव कर रही है। अब देखो आपने बी को रिप्लेस किया वाई के साथ एंड अब मूव कर रहे हो लेफ्ट। लेफ्ट पे जब आए हो तो आपको क्या मिला है, ए मिला है। अब आपने ए को कब तक, यानी कि आपने इसको स्किप करना है जब तक आपको वो ए ना मिल जाए जिसको आपने रिप्लेस किया हुआ है एक्स के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए को मैंने ए से रिप्लेस किया एंड मूव लेफ्ट, लेफ्ट किया फिर ए मिला। मैंने ए को ए से रिप्लेस किया एंड मूव लेफ्ट, तो मुझे क्या मिल गया, अब ये एक्स मिल गया क्योंकि ए की जगह पे अब क्या है, एक्स है। तो मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा इस स्टेट के ऊपर। देखो कैसे कि एक्स मिला, एक्स को मैंने एक्स से रिप्लेस किया एंड मूव राइट। ये एक्स मिला, एक्स को मैंने एक्स से रिप्लेस किया मूव राइट, राइट किया तो अब मुझे क्या मिल गया, ये ए मिल गया। अब मैंने ए को फिर रिप्लेस किया किसके साथ, एक्स के। तो यहाँ पे देखो मैंने फंक्शन लिखा हुआ, स्टेट पे पहुंच गया था, स्टेट से मुझे अब क्या नया लेटर मिल रहा है, ए मिल रहा है। ए को मैंने एक्स से रिप्लेस किया एंड मूव राइट, राइट किया तो मुझे राइट करते हुए ए मिल गया। तो मैंने फिर क्या किया, ए को ए से रिप्लेस किया मूव राइट क्योंकि मैंने इसको स्किप करना है। अब आप देखो यहाँ पे जब जाते हुए मुझे क्या मिलेगा, ए को जब मैंने ए से रिप्लेस किया मूव राइट, फिर मुझे क्या मिल गया, अब यहाँ पे पहले तो बी था, बी को तो मैंने वाई से रिप्लेस कर दिया। अब मैंने इस वाई को वाई से रिप्लेस करना है एंड मूव राइट क्योंकि ये तो रिप्लेस हो चुका है, मुझे इसको करना है। तो इसका मतलब है मैं वाई को भी स्किप करूंगा। तो यहाँ पे मैं वाई का स्किप फंक्शन लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी वाई को मैंने वाई से रिप्लेस किया एंड मूव राइट, ठीक है ये वाई है। तो वाई को मैंने वाई से रिप्लेस किया एंड मूव राइट, राइट किया तो मुझे बी मिल गया। अब मैंने क्या किया, ये फंक्शन लिखा हुआ है। अब आप देखो इसी स्टेट पर बी को आपने वाई से रिप्लेस किया एंड मूव आपने क्या किया लेफ्ट। जब आपने मूव लेफ्ट किया, अब लेफ्ट करते हुए आपको फिर क्या मिला, ये वाला वाई मिल गया। अब आपने क्या करना है, आप इस स्टेट पे पहुंच गए, आपने इस वाई को स्किप करना है। वाई को आपने वाई से रिप्लेस किया एंड मूव लेफ्ट, लेफ्ट किया आपको ए मिल गया। आपने ए को ए से रिप्लेस किया मूव लेफ्ट, लेफ्ट किया तो आपको इस स्टेट से क्या मिला, एक्स मिला। आपने क्या किया, एक्स को एक्स से रिप्लेस किया, एक्स को एक्स से रिप्लेस किया एंड मूव राइट, तो आप कौन सी स्टेट पे पहुंच गए, क्यू आप नॉट पे पहुंच गए। क्यू नॉट पे पहुंचे तो आपको फिर क्या मिला, आपने राइट पे जब मूव करेंगे एक्स को एक्स से रिप्लेस करके मूव राइट, राइट का मतलब है आप इस ए पे आ जाओगे। इस ए को आपने रिप्लेस किया किसके साथ, एक्स के साथ। अब देखो ए को आपने रिप्लेस किया एक्स के साथ एंड मूव राइट, राइट किया तो आपको क्या मिला, ये वाला वाई मिल गया। अब आप देखो वाई को वाई से रिप्लेस किया मूव राइट, दूसरा वाई मिल गया। वाई को वाई से रिप्लेस किया मूव राइट, राइट करते हुए आपको क्या मिला, बी मिला। आपने बी को किससे रिप्लेस किया, वाई के साथ। तो देखो बी को स्टेट पे हो ना, तो आपने क्या किया, बी को वाई से रिप्लेस किया एंड मूव लेफ्ट। जब आपने लेफ्ट मूव किया तो आपको क्या मिला, वाई मिला। तो ये देखो स्टेट पे पहुंच गए थे, वाई को वाई से रिप्लेस किया मूव लेफ्ट, फिर वाई मिला, वाई को वाई से रिप्लेस किया मूव लेफ्ट। जब आप यहाँ पे पहुंचे तो आपके पास अब क्या मिल गया, एक्स मिल गया। अब वाई के बाद जब एक्स मिलेगा तो इसका मतलब है एक्स को एक्स से रिप्लेस किया एंड मूव राइट। जब आप राइट मूव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये वाई मिलेगा, ठीक है।
अब वाई मिलेगा तो इसका मतलब है कि आपको अब बी कोई नहीं मिल रहे, आपके पास ये इंडिकेशन आ गई कि जब वाई मिला है तो इसका मतलब है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ एज थे वो रिप्लेस हो चुके हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इसका ट्रांजिशन फंक्शन लिखोगे इस वाई का। अब एक्स को एक्स से रिप्लेस किया, मूव राइट राइट किया तो वाई मिला, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वाई को वाई से रिप्लेस किया एंड मूव राइट। ठीक है, मैं कौन सी स्टेट पे चला गया, सपोज मैं क्यू थ्री स्टेट पे चला गया। ठीक है, अब जब मैं राइट मूव कर रहा हूँ तो मुझे ये वाई भी मिलेगा और ये वाई भी मिलेगा, तो मैं इसको सारे को लूप में रख लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी रस्ते में मुझे वाई मिले, मैं वाई को वाई से रिप्लेस करता जाऊंगा एंड मूव राइट, तो मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, ये सारे वाई इससे रिप्लेस हो जाएंगे और मुझे क्या मिलेगा, पॉइंटर आ जाएगा ब्लैंक के ऊपर। जब मुझे ब्लैंक मिलेगा तो अब इसका मतलब क्या है जी, कि मैंने ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस किया, ब्लैंक मिला, ब्लैंक को मैंने ब्लैंक से रिप्लेस किया एंड मूव राइट। जब मैंने राइट मूव किया तो फिर मुझे क्या मिल गया, ब्लैंक सिंबल मिल गया। अब इसका मतलब क्या है जी, कि ये मेरे पास इंडिकेशन आ गई कि जी अब हमारे पास कोई भी टेप के अंदर इनपुट लेटर नहीं रहा, तो ये जो हमारे पास स्टेट आएगी ये बेसिकली हॉल्ट स्टेट कहलाएगी और ये हॉल्ट स्टेट ही आपके पास क्या है, फाइनल स्टेट कहलाती है। तो यहाँ पे जाके आपकी स्ट्रिंग, अब आप देखो टेप के अंदर भी सारे इनपुट लेटर जो थे ए एक्स से रिप्लेस हो चुके हैं, बी वाई से रिप्लेस हो चुके हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके साथ पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे पास ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, तो इस टाइप के अंदर हमारे कुछ जो है वो ट्यूरिंग मशीन डिजाइन होगी। अब मैं इसका ट्रांजिशन फंक्शन आपको दोबारा लिख देता हूँ। ट्रांजिशन फंक्शन क्या था, एट एनी स्टेट, अब हमने क्या करना है, वी रीड एनी इनपुट स्टेट, वी रीड एनी इनपुट लेटर बिलोंग्स टू टॉप। ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं, किसी रिजल्टेंट स्टेट पे जा रहे हैं और हमने क्या किया, टॉप, उसके ऊपर हमने जिस लेटर को रीड किया था उसको हमने रिप्लेस किया, चाहे एक्स से किया या वाई से किया, एंड मूव। अब हमने क्या किया, उसको रिप्लेस करके या तो हमने लेफ्ट मूव किया था या हमने क्या मूव किया था, राइट मूव किया था। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ये क्या आ गया, हमारे पास इसका ट्रांजिशन फंक्शन आ गया। हम इस ट्रांजिशन फंक्शन, तो ये हमारे पास इस ट्यूरिंग मशीन का ये ट्रांजिशन फंक्शन है। ठीक है, तो इंशाल्लाह होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद अच्छा हो जाएगा कि हमने ये किस तरह से परफॉर्म किया है। इसी तरह अगर बात करते हैं तो एक और मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड कर लेता हूँ ब्लैंक। अब हमारे पास एक लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी लैंग्वेज है मेरे पास ए एन, अब ये तो दो थे ना, ए एन बी एन एंड सी एन, हम थ्री इनपुट लेटर ले लेते हैं और हमारे पास जो एन है वो हम कह देते हैं एन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, वन है। ठीक है, अब हमारे पास टेप बना लेते हैं। टेप में हमें पता है कि जी हमने क्या करना है कि अब हमारे पास जितने नंबर ऑफ एज हैं उतने नंबर ऑफ बीज हैं उतने नंबर ऑफ हमारे पास सीज हैं। तो हम कह रहे हैं जी कि मेरे पास एक ए है, थ्री ए हैं, मैं कह रहा हूँ जी थ्री मेरे पास बी हैं और मेरे पास क्या है, थ्री मेरे पास सी है। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, इधर भी मेरे पास मैं ब्लैंक ऐड कर लेता हूँ और इधर भी मैं कोई टू इंडेक्सेस पे इधर ब्लैंक ऐड कर देता हूँ और इधर ब्लैंक ऐड कर देता हूँ। इन फाइनाइट कंट्रोल यूनिट कहाँ पे होगा और टेप सॉरी हेडर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब हमने वही बात शुरू करनी है, क्यू नॉट स्टेट, हमने कहा सपोज टू बी इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब इस स्टेट से हमने क्या किया, अब मैं कह रहा हूँ जी कि मैं ए को रिप्लेस करूंगा एक्स के साथ और बी को रिप्लेस करूंगा मैं किसके साथ, वाई के साथ, और सी को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, जेड के साथ। ठीक है, अब हमने पहली स्टेट से बात शुरू की, हमने पहली स्टेट पे क्या किया, ए को मैंने रीड किया, मैंने ए को रिप्लेस किया एक्स के साथ, ए को मैंने किससे रिप्लेस किया एक्स के साथ एंड मूव राइट। अब इसका मतलब है पहले ए को करूंगा फिर मैं मूव करता जाऊंगा बी को करूंगा फिर मूव करता जाऊंगा सी, सी को करूंगा तो फिर वापस आऊंगा कहाँ पे, उस एक्स के वाले पे, फिर मैं ए को करूंगा फिर दूसरे बी को फिर दूसरे सी को फिर मैं वापस आऊंगा यहाँ तक जो मैंने लास्टली ए कन्वर्ट किया होगा रिप्लेस किया होगा, फिर मैं ए को करूंगा फिर मैं तीसरे बी को करूंगा फिर तीसरे सी को और फिर यहाँ पे आप देखो कि ये मेरे पास क्यू वन स्टेट मिल जाएगी, क्यू वन स्टेट आ गई। अब आप देखें क्यू वन स्टेट पे हमें क्या मिल रहा है, क्यू वन स्टेट पे जाके हमें मिल रहा है, हमने यहाँ पे मूव किया अब मुझे ए मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं ए के लिए स्किप फंक्शन लिख रहा हूँ, मैंने कहा जी मैंने ए को ए से रिप्लेस किया क्योंकि ए तो नहीं करना, अब मुझे बी को करना है तो मूव राइट राइट किया तो मुझे मूव राइट करते करते क्या मिल गया, बी मिल गया। ठीक है, मैंने क्या किया जी
मैंने कहा जी कि मैं बी को इस बी को रिप्लेस करूंगा वाई के साथ, मैंने बी को रिप्लेस किया वाई के साथ एंड मूव राइट, ठीक है। तो मूव राइट किया तो मैं कौन सी स्टेट पे चला गया, क्यू टू स्टेट पे, ठीक है। अब मूव करूंगा तो रस्ते में मुझे क्या मिलेंगे, ये दो बी मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे इसके लिए इसके फंक्शन लिख देता हूँ। रस्ते में अगर मुझे बी मिल रहे हैं तो बी को मैं बी से रिप्लेस कर रहा हूँ एंड मूव राइट, मूव राइट, ठीक है। अब राइट मूव करते हुए ये सारे बी स्किप हो जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे सी को मैंने रिप्लेस करना है जेड के साथ एंड मूव लेफ्ट, मैंने वापस आना है, यानी कि इसको मैंने रिप्लेस किया किसके साथ, जेड के साथ एंड मूव लेफ्ट। तो मैं कौन सी स्टेट पे पहुंच गया हूँ, क्यू थ्री स्टेट पे पहुंच गया। अब क्यू थ्री स्टेट से मैं वापस आ रहा हूँ तो वापस आते हुए मुझे बी मिल रहा है, कब तक मैंने वापस आना है, जब तक मुझे ये वाला ए जो मैंने रिप्लेस किया हुआ है यानी कि एक्स नहीं मिल जाता। तो रस्ते में मुझे वापस आते हुए क्या मिलेगा, यहाँ से बी मिलेगा। तो मैंने कहा जी बी को मैंने बी से रिप्लेस किया एंड मूव लेफ्ट। मैं सारे यहाँ पे अब देखो वापस आया तो बी के बाद मुझे ये वाई भी मिलेगा, तो वाई जो कि मैंने रिप्लेस किया हुआ, तो वाई को वाई से रिप्लेस किया एंड मूव लेफ्ट। लेफ्ट करते हुए मुझे क्या मिला, ए मिल गया, मैंने ए को ए से रिप्लेस किया एंड मूव लेफ्ट। कब तक ये मैंने किया, मैं पहुंच गया एक्स पे। अब मुझे एक्स मिल रहा है तो मैंने क्या किया कि एक्स को किससे करना है, अब जब मैं एक्स पे पहुंचूंगा तो इसका मतलब है एक्स को मैं एक्स से रिप्लेस करूंगा लेफ्ट मूव करते हुए एंड मूव राइट, यानी कि लेफ्ट मूव कर रहा था ए, एक बात क्या मिला, एक्स मिला। मैंने कहा जी मैंने एक्स को एक्स से रिप्लेस किया एंड मूव राइट। अब आप देखो राइट पे मूव किया तो फिर मुझे क्या मिल गया, ए मिल गया, मैं इसे ए को एक्स से रिप्लेस करूंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ए का फंक्शन लिखा हुआ है, ए को एक्स से रिप्लेस किया मूव राइट, यहाँ पे रस्ते में ए मिलेगा, तो ये ए को ए से रिप्लेस किया मूव लेफ्ट, फिर ये क्या मिलेगा, अब मुझे यहाँ पे वाई मिल रहा है। अब आप देखो वाई मिल रहा है तो यहाँ पे वाई, अब मैंने यहाँ पे वाई का स्किप फंक्शन लिखना है, तो मैंने वाई को वाई से रिप्लेस किया एंड मूव राइट, ठीक है, क्योंकि ये पहले बी था वाई है। अब वाई को किया तो फिर मुझे क्या मिला, बी मिल गया, ये दूसरा बी मिल गया, ठीक है। मैंने दूसरे बी को रिप्लेस किया किसके साथ, वाई के साथ एंड मूव राइट। राइट किया तो ये बी मिला, मैंने बी को बी से रिप्लेस किया एंड मूव राइट, ठीक है। राइट किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे जी मिल गया। अब आप देखो पहले जी नहीं था, क्योंकि अब ये मुझे जी मिल गया, तो मैंने क्या किया, जी को जी से रिप्लेस किया एंड मूव राइट। जब मैंने राइट मूव किया तो मुझे ये सी मिल गया, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जी सी को मैंने जेड से रिप्लेस किया एंड मूव लेफ्ट। जब लेफ्ट किया अब मुझे यहाँ पे वापसी पे जेड मिलेगा, तो जेड का फंक्शन तो नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जेड को मैंने जेड से रिप्लेस किया एंड मूव लेफ्ट। लेफ्ट किया तो बी मिला, बी का मैंने फंक्शन लिखा हुआ है स्किप का, वाई मिला, वाई का फंक्शन लिखा हुआ है, इसी तरह ही मुझे ए मिलेगा, ए का फंक्शन लिखा है। जब मैं एक्स पे पहुंचूंगा ये वाले एक्स पे, तो क्या करेगा, एक्स को एक्स से रिप्लेस करेगा एंड मूव हमारे पास क्या करेगा, राइट। राइट किया तो फिर ये ए मिल गया, मैंने इस ए को रिप्लेस किया किसके साथ, एक्स के साथ एंड मूव राइट। राइट किया तो वाई मिलेगा, अब देखो वाई का स्किप फंक्शन मैंने लिखा हुआ है कि वाई को मैंने वाई से रिप्लेस किया एंड मूव राइट, वाई को वाई से रिप्लेस किया मूव राइट, मुझे ये बी मिल गया। मैंने बी को किससे रिप्लेस किया, वाई के साथ, बी को वाई से रिप्लेस किया मूव राइट, स्टेट पे पहुंच गया। स्टेट पे पहुंचा तो मुझे रस्ते में क्या मिला, जी मिला, जी को मैंने जी से रिप्लेस किया मूव राइट, ये मैंने फंक्शन लिख रखा है। दूसरा जी मिला, जी को मैंने जी से रिप्लेस किया एंड मूव राइट, ठीक है। अब मैं राइट मूव करते हुए मुझे क्या मिल गया, सी मिल गया स्टेट से। तो मैंने क्या किया, सी को मैंने जेड से रिप्लेस किया, सी को मैंने जेड से रिप्लेस किया एंड मूव लेफ्ट। लेफ्ट किया तो मुझे सी मिलेगा, अब यानी कि जी मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जी को जी से रिप्लेस किया मूव लेफ्ट, फिर जी मिला इसी फंक्शन से, वाई मिलेगा इस फंक्शन से, ठीक है। और अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इस एक्स पे। अब एक्स मिला, एक्स को मैंने एक्स से रिप्लेस किया एंड मूव राइट। राइट किया तो मुझे क्या मिल गया, ये वाला वाई, वाई मिला। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे ए तो मिला नहीं, इसका मतलब है ए नहीं मिला तो बी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा, क्योंकि ए एन बी एन और सी एन था। अब हमने क्या करना है, इसका लिखना है वाई को मैंने वाई से रिप्लेस किया एंड मूव राइट, ठीक है। मैंने राइट मूव किया तो मैं कौन सी स्टेट पे चला गया, क्यू फोर स्टेट पे मैं यहाँ पे मूव करके आ गया, ठीक है। अब क्यू फोर जब मैंने राइट किया तो यहाँ पे देखें टू और वाई पड़े हुए, तो मैं टू और वाई के लिए यहाँ पे स्केप फंक्शन लिख दूं। मैं कह रहा हूँ जी वाई को वाई से रिप्लेस करूंगा एंड मूव राइट। जब मैंने राइट मूव किया तो यहाँ पे मुझे जेड भी मिलेगा, तो जेड के लिए भी स्केप फंक्शन लिखना पड़ेगा। जेड को मैंने जेड से रिप्लेस किया एंड मूव राइट, ये दोनों तीनों जो जेड है ये इससे रिप्लेस हो जाएंगे। फिर क्या होगा, राइट मूव करते मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्लैंक मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, ब्लैंक मिल गया, मैंने कहा जी ब्लैंक को मैंने ब्लैंक से रिप्लेस किया एंड मूव राइट। जब मैंने राइट मूव किया तो वहां पे फिर मुझे क्या मिला, ब्लैंक मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जी ये जो मेरे पास स्टेट आएगी ये क्यू एफ स्टेट होगी और ये हॉल्ट स्टेट है, और हॉल्ट स्टेट का मतलब है ये
फाइनल स्टेट है। इस तरह से हमारी टेब में इनपुट लेटर भी खत्म हो जाएंगे, सारे इनपुट लेटर रिप्लेस भी हो जाएंगे और ये हमारे पास जो स्टेट है ये फाइनल स्टेट यहाँ पे आ जाएगी। और इस तरह से ए एन बी एन से कोई भी स्ट्रिंग बने, आप इसमें से कोई भी स्ट्रिंग बना लो, आपकी ये मशीन उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्यूरिंग मशीन की कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और इससे इंशाल्लाह आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मजीद अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।